गुरु जी जनता दरबार में किस प्रकार के उपाय बताते हैं? इस जनता दरबार के दौरान मैं आप सभी लोगों की परेशानियां सुनता हूं और अपने 36 वर्षों का जो मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अनुभव है, जिसमें मैंने 320 से ज्यादा टेलीविजन के आधे आधे घंटे वाले एपिसोड किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर 9 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, साथ ही साथ पूरी दुनिया से 133 देशों से अधिक देशों के लोग स्वयं मुझसे मिलने या वीडियो कॉल पर मुझसे संपर्क करके अपनी परेशानियों को दूर कर चुके हैं। मेरा नाम है रविंदर चौपाल, मैं तो बेंगलोर में काम करता हूँ। मेरा घर बिहार पड़ता है, जहाँ पर जनक जी मिथिला में पड़ता है, अभी नेपाल बॉर्डर साइड में पड़ता है। और एक दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा, गुरु मारू कोनी का वीडियो देखा। मैं पहले बहुत ज्यादा मैं टेंशन में रहता, पैसे उसे कमाता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं कमा, लेकिन मन का सुकून नहीं मिलता था, क्या करूँ कैसे करूँ। आर्थिक स्थिति से भी परेशान रहता था, कभी जॉब के लिए परेशान रहता था। फिर गुरु मारू कोनी का वीडियो देखा मैं, फिर उन्होंने मेरे को नंबर दिया, फिर सर से बात हुई मेरी। सर से गुरु महाराज से बात होने के बाद उन्होंने बोला लॉकेट लेना पड़ेगा। मैंने स्वामी राजेश्वर जी से ही बात किया वीडियो कॉल पर, उन्होंने मेरे को लॉकेट दिया। अब मैं लॉकेट लेने के बाद पूरा चीज़ मेरा, जो भी टेंशन था, जो भी चीज़ था, मैं हर चीज़ से दूर हो गया था। मतलब जो मेरे को छोड़ चुके थे, मेरा निजी लाइफ पार्टनर था, उनसे मैं दो बार मेरा डिवोर्स हो गया था, लेकिन मुझे उन चीज़ों से इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आकर बहुत सुकून से रहता हूँ। मैं अपना बिजनेस में लगा रहता हूँ, जो भी काम करता हूँ मैं बहुत सुकून से रहता हूँ। अब मुझे आगे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे को मन का सुकून चाहिए। बाकी और मेरे घर का जो भी प्रॉब्लम था, उन्होंने बोला मेरा हर चीज़ दूर हो गया। और आगे मैं दुआ करता हूँ सभी को, अगर जो भी भाई बहन जो भी परेशान है, एक बार शनिदेव पीठ मंदिर जरूर आइए। स्वामी राजसी जी से मैंने वो बात करके वीडियो कॉल पे और लॉकेट मैंने ली, जब से मेरा हर कुछ